चलिए और काफी अच्छा लग रहा है ये बीच। वाव वाव वाली फीलिंग आ रही है। तो एक बार वेलकम बैक मेरे चैनल लिसनर्स पर। और आज हम हैं केरला के एलेप्पी में, जो अरुणाकुलम कोची के पास है। और स्टार्टे हम गए थे एलेप्पी बीच पर, आज हम आपको एक नए बीच पर लेकर चलते हैं जिसका नाम है मरिकुलम बीच। मरिकुलम बीच पर हम आई गए हैं, पार्किंग के पास। पार्किंग दिख रही है, हम गाड़ी पार्क करते हैं फिर आपको बीच पर लेकर चलते हैं। तो हम केरला के एलेप्पी में मरिकुलम बीच पर आ गए हैं, मरिकुलम बीच। और यहाँ लोग काफ़ी यह सन बाथ ले रहे हैं, सी बाथ ले रहे हैं, और सविता भी बाथिंग के लिए तैयार है। कल इवनिंग में भी बात कर ली थी, फिर अभी बाथिंग करने के लिए तैयार है। क्या जी, ये बीच कैसा लग रहा है? एलेप्पी बीच तक कल घूमे थे आप, तो उससे भी ज़्यादा मस्त, उससे भी ज़्यादा मस्त लगा है ना। और यहाँ अम्ब्रेला लगा हुआ है, चेयर लगा हुआ है, बहुत सारा चीज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए थोड़ा बीच पर ले चलिए। तो इस बीच पे एक खास बात है कि रेड सैंड है। कल जब हम गए थे लेपी बीच पर वो वाइट ब्लैक सैंड था, तो ये रेड सैंड है बीच है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये बीच। वाव वाली फीलिंग आ रही है, लोग दिल की फोटो बना रहे हैं। आपने बनाएगा? आप देख रहे हैं मरिकुलम बीच को, और ये मरिकुलम बीच केरल के एलेप्पी में स्थित है। और यह एक छुपा हुआ रत्न है जिसे कई पर्यटक अभी तक नहीं जानते हैं। यह बीच अपनी शांत, देखिए कितना शांत बीच है, तो यह अपनी शांत और सजीव वातावरण, यहाँ का वातावरण भी एकदम सजीवता से भरा हुआ है। तो ये शांत और सजीव वातावरण के लिए जाना जाता है, जहाँ आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। मरिकुलम का तो मुख्य आकर्षण इसके सुनहरे रेत, आप देख रहे हैं कितना सुनहरा गोल्डन यहाँ का सैंड है, इसके तट और क्लीन और ब्लू वाटर, तो स्वच्छ और नीला पानी यहाँ की खूबसूरती है, जो सूरज की रोशनी में और ज्यादा निखरती है, चमकती है। यह जगह वैसे तो भीड़ भाड़ से दूर है, इसीलिए शायद यहाँ आपको एकांत का अनुभव मिलता है, जो इसे परिवार, दोस्तों या फिर खुद के साथ एक सुकून भरे समय बिताने के लिए एकदम आइडियल माना जाता है। काफी लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, बाथिंग ले रहे हैं, सी बाथिंग ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। देख रहे हैं बीच की जो प्राकृतिक सुंदरता है, एकदम निखरी हुई है। और यहाँ जो नारियल के पेड़ों की जो लहराती कतारें इसके तट को एकदम शानदार एक दृश्य, अद्भुत दृश्य प्रदान करती है। और शाम को, शाम में तो हम अभी काफी टाइम है, बट शाम का जो नजारा होता है, सूरज डूबने का जो नजारा होता है, वो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ पर, यहाँ लोग सनसेट देखने के लिए भी आते हैं। मरिकुलम बीच पर समुद्री गतिविधियों, बहुत तरह की गतिविधियाँ होती है, जैसे कि आपको स्विमिंग है, बीच वॉलीबॉल होती है, और स्नॉर्कलिंग का भी आनंद लिया जाता है। इसके आसपास बहुत सारे होम स्टे भी हैं और रिसॉर्ट भी हैं, जो केरल की पारंपरिक संस्कृति का अनुभव कराते हैं। आप यहाँ स्थानीय स्वादिष्ट समुद्री भोजन का भी आनंद ले सकते हैं, जो ताज़ा मछलियों और मसालों के साथ
तैयार किया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। तो मरिकुलम बीच पर आने का जो सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, जब मौसम यहाँ पर बहुत ठंडा और सुखद हो जाता है। यदि आप भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के करीब और सुकून भरे समय की खोज में हैं, तलाश में हैं, तो मरिकुलम बीच आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए। लिपी में जितने खूबसूरत बीचेज हैं उनमें से मरिकुलम बीच जो है सो अद्भुत है। यह तो एकदम असली जन्नत ऐसा अनुभव आपको दिलाता है। और यहाँ की रेतें, खास करके रेत में नंगे पैर चलने का जो एहसास होता है, समुद्र की ठंडी हवाओं का स्पर्श और लहरों की मृदुल ध्वनि दिल को, दिमाग को तरोताजा कर देती, दिल को छू देती है। यह बीच उन यात्रियों के लिए एकदम परफेक्ट है, प्रकृति की गोद में सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि हम मरिकुलम सी बीच पर सी के अंदर बात ले रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, काफी आनंद आ रहा है। रियली में इस मरिकुलम बीच पर समुद्र स्नान का जो अनुभव होता है ना, वो विस्मरणीय है और ताजगी से भरा होता है। जैसे ही आप समुद्र की ठंडी और साफ नीली लहरों में प्रवेश करते हैं, एक हल्की ठंडक शरीर को छूती है तो गर्मी से राहत दिलाती है और लहरें आपको अपने पास बुलाती है और प्रतीत होती है। जैसे ही आप गहरे पानी की ओर बढ़ते हैं, लहरों का नर्म स्पर्श आपके तन मन को तरोताजा कर देता है। समुद्र स्नान करते समय आप महसूस करेंगे कि कैसे हर एक लहर आपके शरीर के थकान को दूर करती है, मानो प्रकृति खुद आपको अपने आलिंगन में ले रही हो। पानी में डुबकी लगाते ही शरीर की सारी थकान गायब हो जाती है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। समुद्र की लहरों के साथ खेलते हुए कभी कभी आप खुद को पानी के अंदर तैरते हुए पाएंगे और लहरें आपको ऊपर की ओर उठाकर एक अनोखा रोमांच प्रदान करती है। मरिकुलम का समुद्र तट अपनी सफाई और स्वच्छता के लिए भी जाना जाता है, जिससे स्नान का अनुभव और भी सुखद बन जाता है। यहाँ की शांत लहरें समुद्र स्नान के लिए आइडियल है, खासकर उन लोगों के लिए जो तैराकी के शौकीन हैं या लहरों के साथ खेलने का मजा लेना चाहते हैं। इसके अलावा समुद्र स्नान के बाद आप रेत पर लेटकर धूप सेकना भी पसंद कर सकते हैं। यह भी एक आपको अलग अद्भुत अनुभव देगा। यह आपको न केवल आराम देता है बल्कि समुद्र की ताजगी को और अधिक गहराई से महसूस करने का अवसर भी देती है। मरिकुलम बीच पर समुद्र का स्नान का यह अनुभव वास्तव में आपको प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव और एक अनूठी आत्मिक शांति प्रदान करती है। मुझे काफी मजा आ रहा है यहाँ। वैसे मैं कई समुद्र सी बीच पर स्नान किया हूँ, सी बात लिया हूँ, लेकिन यहाँ का जो आनंद है वह अद्वितीय है। आप लोगों में से कौन कौन लोग यहाँ पर आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में और आपको हम समुद्र के कुछ सुनहरे पल के साथ छोड़ के जाते हैं और नए ब्लॉग में। बाय बाय।